एक तरफ पूरे देश में कोरोना का कहर चल रहा है तो दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा का कहर एक परिवार पर टूट पड़ा। उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत छितौली में बनिया का बास निवासी अनुकवर सनौफ कैलाश सिंह एक गरीब परिवार से हैं। 5 दिन पहले विराटनगर क्षेत्र में आया भीषण अंधड़ व बारिश ने इस परिवार की खुशियाँ ही छीन ली। पूरा घर तहस नहस हो गया, बेघर हो गया। अब उसके सामने रहने व खाना पकाने की बड़ी मुसीबत हो गई। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस हालत में पीड़ित परिवार कहां रहे। आज 5वें दिन ग्राम पंचायत छितौली के सरपंच इस पीड़ित परिवार से मिले। इस हालत में उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। पीड़ित परिवार ने बताया कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता, किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया के द्वारा इस परिवार को कुछ राहत मिली है। सरपंच शीश राम दायमा का कहना है कि मैं आज पीड़ित परिवार से मिलकर आया हूं, हर समय गरीब परिवार के साथ हूं, उनकी सहायता की जाएगी। विराटनगर से संवाददाता रमेश नारवाल की रिपोर्ट। देखो बारिश में बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। बारिश की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। मकान ढह गया, बाकी जगह बिल्कुल कुछ भी कौन मार कर अधिकारी कोई था अधिकारी बिल्कुल भी कोई 4-5 दिन था। कोई कौन पूछ रहे? कोई कौन पूछे? मैं कृष्ण, आपको यहाँ पड़ोसी होने के नाते आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 4-5 दिन हो गए इस पीड़ित परिवार के पास पटवारी और सेक्रेटरी, वो पटवारी और सरपंच यहाँ नहीं आया का, और आज लास्ट के दिन आया 6ठे दिन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी अपने स्तर पर जो तैयारी है वो तैयारी नहीं की, जो भी कुछ और इनको मदद की जो भी गुजारिश थी वो नहीं हुई, और इनके लिए कुछ अच्छी मदद की जाए। तहसीलदार वगैरह को सूचना दी आपने? तहसीलदार को साहब सूचना नहीं दी। मैं इस गांव में आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में बनिया का बास में आया, और आते ही मैंने तुरंत प्रभाव से सबसे पहले सरपंच से भी नहीं बात कर डायरेक्ट MLA साहब से बात की, और MLA साहब ने मुझे एक बार नहीं दो बार आश्वस्त किया कि जो आप बनिया का बास के लिए जो अभी फ़िलहाल जिस दुविधा में अटका पड़ा है व्यक्ति जिसके घर नहीं है, उनको PM आवास योजना के अंतर्गत लाने का काम मेरा है। मैंने उनको बताया भी, मैंने कहा साहब कुछ दिक्कतें आ सकती हैं किसी प्रकार से, बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका काम होगा 100%। ये जो मैंने नाम बताया था उनको, कैलाश सिंह सनोप गणपत सिंह, इनका PM आवास में नाम जुड़वाने के लिए और शीघ्रता के साथ में कार्य करवाने के लिए हमने MLA साहब का अवगत कराया। साथ में जो हमारे जो ग्रुप हैं भाई राधेश्याम श्योम में, मुकेश लोमोट भाई, KL स्वामी और RS भडाना, महेंद्र सेन, और भी लंबा चौड़ा ग्रुप है हमारा, इतने नाम मैं बता नहीं सकता, इन सब ने डिसीजन किया है कि ऐसी व्यवस्थाएं अगर छितौली ग्राम पंचायत या पड़ोसी में जशुपुरा ग्राम पंचायत में कोई ऐसी विपदा किसी के ऊपर आती है तो हम जनमानस को ध्यान में रखते हुए उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था सुचारू ढंग से रखने की पूरी पूरी प्रक्रिया शील है। अभी हमने आज इस स्थिति को देखकर यहाँ पे जो देखा है घर का, उसके लिए भी हमने अवगत कराया है कि इनके लिए 7 ट्रैक्टर पत्थर के और 2 ट्रैक्टर बजरी के जो हमारे वाले ग्रुप ने इनके लिए डालने का प्रयास किया है, ये हम सब ने कमेटी में फैसला लिया है। साथ में आश्वस्त करता हूँ मैं MLA साहब के आदेश निर्देश अनुसार कि इनको PM आवास योजना में जुड़वाने का काम भी हम सब मिलकर करेंगे। सरपंच साहब को भी अवगत कराएंगे, और MLA साहब को ऑलरेडी करवा दिया है। अभी मेरी वहाँ सहायक सेक्रेटरी से भी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि जियो टैगिंग के लिए, तो बोला कल मैं जियो टैगिंग कराऊँगा साहब, इतना सहायक सेक्रेटरी ने बोला है। धन्यवाद।